घर वालों ने राघव के एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया वाणी पर। दरअसल वाणी खुद को कमरे में बंद कर लेती है और यहाँ दादी पार्वती, सुप्रिया और चित्रा बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वाणी दरवाजा खोले, लेकिन वाणी दरवाजा नहीं खोलती हैं। ऐसे में दादी गुस्सा हो जाती हैं और उसे मर जाने के लिए कह देती हैं। क्या हो गया? हालांकि ये सब तो दादी गुस्से में कहती हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से चित्रा के मोबाइल पर कुछ आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और घर वालों को बताती है कि उसने राघव का गाड़ी ट्रैक करवाया था और पता चला कि राघव का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में है। ऐसे में सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और दादी तो वाणी पर ही सारा इल्जाम लगा देती हैं कि वाणी की बद्दुआ लग गई है राघव को। सुप्रियावली जान देना, कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर आओ वाणी, ये गलत बात है, मत करो ऐसा। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस राघव मेरी परवाह नहीं करता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गलत कदम ना उठाऊं तो राघव को अभी बुलाइए, मेरे को उससे बात करना है। अरे देख, अरे ऐसा कोई काम मत करना, ताकि बचे तो बाद में पछताना पड़े। कल्पना की लाइन कब आएगी? काना जी जे कहेगा। अरे सुन लिया, तेरे जे तमाशे की वजह से राघव को एक्सीडेंट हो गया है। अरे बद्दुआ लग गई तेरी, अब भी समझ ना रही का? सब ठुमका रहे, रो रहे, ऐसा कुछ मत कर। जाकू ने बोला ऐसा कुछ मत कर। सबको पछताना पड़े मानी बोली, तो हाँ पछताना पड़ेगा, तो सबको पछताना पड़े। इल्जाम आपके ऊपर आएगा, आपके वजह से राघव दूर हो रहा है मुझसे। कल्पना बोली, नहीं बेटा तू मेरी बात सुन, तू बहुत हिम्मत वाली है, तेरी माँ है तेरे साथ, तू अकेली नहीं है। दादा बोले, हाँ वाणी, हम सब बच्चों का भला चाहते, या कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा? कल्पना बोली, नहीं बेटा तू मेरी बात सुन, तू तो बहुत हिम्मत वाली है ना, तू ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तेरी माँ हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। दादाजी, हाँ वाणी, हम सब बच्चों का भला चाहते। देखना होगा क्या वाकई में वाणी की बद्दुआ लग गई है राघव को और राघव अपनी जान गवा बैठेंगे। एंड फॉर मोर सच टेल टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।